जैसे कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस पर मैं सभी महिलाओं को कहना चाहूँगी, यदि आप में दृढ़ निश्चय आत्मविश्वास है तो शादी और बच्चे यहीं तक हमारा जीवन सीमित नहीं है। हर एक को एक बार अपना अस्तित्व बनाने का, अपनी पहचान बनाने का मौका मिलता है, बस पहचानना आपके हाथ में है। थैंक यू। अभी जिस प्रकार से मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका में मायामी इस शहर में जा रही हूँ, वहाँ पे मुझे अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रांतों से लोग आएंगे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मेरी ताकत एक ही है, वो है सब लोग अंग्रेज़ी में अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। एक ऐसी स्त्री है जो अपने भारत का प्रतिनिधित्व अपने राष्ट्रभाषा से करेगी, यही मेरी ताकत है। नमस्ते, मैं मिसेस शिल्पा मिलिंद आडम पुणे से हूँ। शान से कहती हूँ कि मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है, वैसे मुझ में भी है, ऐसा सभी कहते हैं। इस स्पर्धा में भाग लेना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2-2 बेटियाँ, अपने पति, अपने परिवार को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक विवाहित स्त्री के साथ इस ऐसे स्पर्धा में जाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हमारा लाइफ पार्टनर और हमारे माता पिता या हमारा ससुराल यदि हमारा साथ देते हैं तो हर एक स्त्री बहुत कुछ कर सकती है। यदि हमारा ससुराल, एक विवाहित स्त्री के लिए कहना चाहूँगी कि यदि हमारा ससुराल शिक्षित हो तो वो एक स्त्री कोई भी ऊंचाइयों को के साथ आगे बढ़ सकती है। ये स्पर्धा मेरे लिए चुनौतियों से भरी हुई थी। 2,500 से 3,000 महिलाएं आई हुई थी। 55 स्पर्धकों में सिलेक्ट होना, फिर शॉर्ट लिस्ट में आना, बहुत चुनौतियों से मैं आगे बढ़ती रही। और जिस प्रकार से मुझे प्रश्न उत्तर पूछे जाते थे उसका जवाब देना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। और बड़े सिटी, छोटे सिटी से आके छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाके ऐसे स्पर्धकों को चुनौतियों का सामना करना बहुत कठिन होता है। यदि आप अपनी इच्छा शक्ति या दृढ़ विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ आप अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो हर एक महिला बहुत कुछ कर सकती है, और मैंने भी वही किया है। मैं इसके लिए एक कहना चाहूँगी कि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो हमेशा रेंगते हुए चलो। यही मेरी छोटी सी एक हमेशा अपने आप के लिए, मैं अपने आप को धैर्य देती हूँ कि जहाँ भी जाऊँ अपने अच्छे सोच के साथ, अपनी इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ूँ। धन्यवाद।